या पूरी तरह से केंद्र सरकार के सारे पर, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर राजभवन काम कर रही है और यह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। आज हमारे इस राज्य के निर्माता, इस राज्य के लिए अपनी आहुति देने वाले हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी आज यहाँ शपथ ले रही, शपथ लेने का उनका आज कार्यक्रम है और पहले भी ऐसे अनेकों कार्यक्रम हुए हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और शपथ ग्रहण का के गवाह बनते हैं। और आज हमें रोका गया क्योंकि हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सिर्फ एक व्यक्ति हमारे साथ। मैंने आग्रह किया गेट पर, कहा कि नहीं सर, आपको जाना है या नहीं जाना है, आप वापस चले जाइए, लेकिन हम आपके सिवा किसी को नहीं जाने देंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोग है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक शहीद, एक स्वर्गीय मंत्री विधायक की पत्नी के शपथ ग्रहण में हमें का गवाह हमें बनने से रोका जा रहा है और ये पूरी तरह से साजिश है ये राजभवन की और ये केंद्र के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। राज्य की जनता सब कुछ देख रही है, देश की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका मीडिया को भी पूरी तरह से तानाशाही हावी है, अघोषित इमरजेंसी है राज्य हो, एक साजिश रची गई है राजभवन के द्वारा, इसका हम विरोध करते हैं। और राज्य की जनता, देश की जनता, आपको नहीं जाने दिया, नहीं, हमारे साथ हमारे केंद्रीय प्रवक्ता पार्टी के, पहले हजारों की संख्या में लोग जाते थे, अब नहीं। चलो देखिए, साफ तस्वीर आपको प्लीज ना, अब हम जा नहीं सकते, नो नो नेवर नेवर, नहीं जा सकते हम कभी नहीं। नहीं, समर्थक की बात नहीं, समर्थकों को तो पूरी तरह से रोका गया है। आज हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की हमारी मंत्री शपथ ले रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मैंने कहा था, एक व्यक्ति का नहीं सर, आपको जाना हो तो जाए, नहीं जाना हो तो वापस जाए, हम लोग नहीं आपको जाने का नहीं हो। एक साजिश रची गई है राजभवन के द्वारा, इसका हम विरोध करते हैं। और राज्य की जनता, देश की जनता, आपको नहीं जाने दिया, नहीं, हमारे साथ हमारे केंद्रीय प्रवक्ता पार्टी के, पहले हजारों की संख्या में लोग जाते थे, अब नहीं। चलो, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।